खासकर वो लोग जिनका शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, उन्हें नंगे पैर चलना चाहिए। आपके शरीर के मुख्य बिंदु धरती के संपर्क में होने चाहिए। जो आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, विशेष रूप से उन दिनों, धरती पर जो उपलब्ध होता है वो जबरदस्त होता है। नमस्कारम सतगुरु। नंगे पैर चलने का क्या महत्व है और अमावस्या और शिवरात्रि के दिन नंगे पैर चलने से क्या कुछ अलग शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं? हाल ही में किसी ने कहा, एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले ये प्रकाशित हुआ था, क्योंकि MF हुसैन नहीं रहे, आप जानते हैं, कलाकार MF हुसैन नहीं रहे, तो उनके हाल ही के इंटरव्यू में जो उन्होंने देश के एक प्रसिद्ध एंकर के साथ किया था, हुसैन की मृत्यु 92 वर्ष की आयु में लंदन में हुई। वो अंतिम दिन तक बहुत सक्रिय और ऊर्जावान थे। तो राज क्या है? मुझे लगता है ये इंटरव्यू उनकी मृत्यु से बस 3 महीने पहले हुआ था। आपकी लंबी उम्र, ऊर्जा और सेहत का राज क्या है? He said just 2 things. Eat less, walk barefoot. उन्होंने बस 2 बातें कही, कम खाओ, नंगे पांव चलो। क्या आप जानते हैं कि उनके साथ ये एक मुद्दा रहा है? उन्हें कुछ विशिष्ट क्लबों में नंगे पैर नहीं जाने दिया गया, पर उन्होंने हमेशा जोर देकर कहा कि वो नंगे पैर चलते हैं। तो उन्होंने लंबा और सेहतमंद जीवन जीने का ये नुस्खा दिया, कम खाओ, नंगे पैर चलो। उनके ये शब्द मेरे लिए बहुत दिलचस्प थे। अभी अमेरिका में एक नई तरह के जूते बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, जिन्हें बेयर फुट यानी नंगे पाव कहा जाता है। ये जूते ऐसे होते हैं पैरों की तरह, बहुत पतले, एक विशेष सिंथेटिक सामग्री जो ऐसा महसूस कराती है कि आप नंगे पैर चल रहे हैं, एक मोटे तलवे की तरह महसूस नहीं होता, लगभग नंगे पांव जैसे। दौड़ने के जूते, चढ़ाई के जूते, पैदल चलने वाले जूते, हर तरह के नंगे पांव जूते। अच्छा है कि आपने अभी ये प्रश्न पूछा है। तो नंगे पैर का क्या महत्व है, खासकर वो लोग जिनका शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, जिन्हें लगातार परेशानी रहती है, ऐसे लोगों को नंगे पैर चलना चाहिए। आप रहेंगे तो अच्छा होगा, यानी संपर्क ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए लेट कर प्रणाम किया जाता है। आपके हिसाब से मंदिर के तालाब में डुबकी लगाकर फिर मंदिर में लेट कर प्रणाम क्यों किया जाता है? शरीर का हर हिस्सा धरती को छूता है, साष्टांग का यही मतलब है कि आपके शरीर के मुख्य बिंदु पृथ्वी के संपर्क में हो। जो कोई आध्यात्मिक साधना कर रहा है, खासकर उन दिनों शिवरात्रि, अमावस्या और उसके अगले दिन, इन 3 दिनों धरती पर बहुत मदद मिलती है। यह अपनी साधना को तीव्र बनाने की याद भी दिलाता है कि उस दिन जो उपलब्ध है उसका इस्तेमाल हो। तो उस दिन नंगे पैर चलें। हर दिन फायदा होता है, पर उन दिनों विशेष लाभ होता है, जो न केवल शारीरिक सेहत के लिए बल्कि आध्यात्मिक कल्याण के लिए भी होता है। इसके अलावा
ऊपर की ओर गति करने के लिए सिस्टम में जरूरी ऊर्जा पैदा करना। You can't cut off your legs. आप अपनी टांगे नहीं काट सकते, तो उन 3 दिनों जूते ना पहनना अच्छा होगा।